Hello friends, welcome to my YouTube channel. In this video, we will take a case study of Indian Tobacco Company Limited. My dear friends, आज ITC company cigarettes के market में India की number one leading company है. आज ITC का market valuation 38.09 billion dollars का है. आज ये company 30,000 से भी ज़्यादा लोगों को employment दे रही है. आज ये कंपनी 125 देशों से भी ज़्यादा देशों में अपना बिजनेस कर रही है. आज इस कंपनी ने हर एक तरह के मार्केट में अपना बिजनेस सेटअप कर रखा है. आईटी कंपनी के मार्केट में इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड नाम से बिजनेस कर रही है. स्टेशनरी के मार्केट में क्लासमेट एंड पेपर क्राफ्ट के नाम से अपना बिजनेस कर रही है. होटल्स और रिजॉर्ट्स के मार्केट में माई फॉर्च्यून वेलकम होटल के नाम से अपना बिजनेस कर रही है. फास्ट मूविंग कंज्यूमरेबल गुड्स के मार्केट में भी ये कंपनी अपना बिजनेस कर रही है. फूड प्रोडक्ट में यप्पी, बिंगो, सनफीस्ट, आशीर्वाद के जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट बेच रही है. पर्सनल केयर प्रोडक्ट में विवेल, सेवलॉन इन्हीं के ही प्रोडक्ट हैं. इस कंपनी की शुरुआत 24th ऑफ अगस्त 1910 में कोलकाता में हुआ था. इस कंपनी का नाम उस समय इंपीरियल टबैको कंपनी था. एक किराए के मकान से ये कंपनी शुरू हुई. शुरुआती दिनों में ये कंपनी सीक्रेट्स बनाया करती थी. ये कंपनी ज्यादातर काम आउटसोर्सिंग के थ्रू करवाया करती थी. इस कंपनी के सीक्रेट्स के लिए पेपर कोई दूसरी कंपनी बनाती थी, पैकेजिंग कोई दूसरी कंपनी किया करती थी. 1926 में इस कंपनी ने सीक्रेट्स के लिए पेपर और पैकेजिंग खुद ही करना शुरू कर दी. उसी साल 16th अगस्त 1926 को आईटीसी कंपनी ने चौरंगी में, जिसे आज जवाहरलाल नेहरू रोड कहते हैं, वहां 3,10,000 की बिल्डिंग खरीदी. ये बिल्डिंग आज आईटीसी का हेडक्वार्टर है और इसे आज वर्जीनिया हाउस के नाम से भी जाना जाता है और ये कोलकाता में स्थित है. 1926 के बाद ये कंपनी फ्लरिश होना शुरू हुई. 1970 में इस कंपनी ने अपना नाम इंडियन टबैको कंपनी में बदल लिया. 1979 में इस कंपनी ने अपना नाम शॉर्ट कर दिया. अब इंडियन टबैको कंपनी आईटीसी लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी. 1975 में आईटीसी कंपनी ने हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में अपना कदम रखा. इस कंपनी ने बहुत सारे होटल्स सेटअप किए. आज आईटीसी के 100 से भी ज़्यादा होटल्स का चेन है, जिसको इन्होंने चार तरह के होटल्स लग्जरी, वेलकम, हेरिटेज और फॉर्च्यून में स्पेशलाइज किया है. इसके साथ साथ इन्होंने दुबई के सबसे बड़े होटल ब्रांड आरपी ग्रुप ऑफ होटल्स एंड रिजॉर्ट्स के साथ टाई अप कर रखा है. 1985 में इस कंपनी ने नेपाल में एक कंपनी शुरू करी, जिसका नाम सूर्य नेपाल कंपनी था, लिमिटेड था, और ये कंपनी आज आईटीसी की सब्सिडरी कंपनी है. साल 1990 में आईटीसी कंपनी ने एग्रो मार्केट्स में अपना कदम रखा. इन्होंने अपने फार्मर वेंडर्स के लिए ई चौपाल का पोर्टल लॉन्च किया, जहां फार्मर अपने प्रोडक्ट को आईटीसी को सप्लाई करने के लिए आवेदन कर सकते थे. इस इनोवेटिव तरीके से इन्होंने एग्रो वेंडर्स का बेस तैयार किया. साल 2002 में इन्होंने स्टूडेंट स्टेशनरी मार्केट में अपना कदम रखा. इस मार्केट में इन्होंने क्लासमेट, पेपर क्राफ्ट जैसे प्रोडक्ट ब्रांड्स को प्रीमियम ब्रांड बनाया. साल 2004 में इन्होंने अपने आप को टेक्सटाइल बिजनेस के लिए डाइवर्सिफाई किया. आज आईटीसी ने रिटेल इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री में बहुत अच्छे शेयर के साथ मार्केट को कैप्चर कर रखा है. इस कंपनी ने आंध्र प्रदेश, दिल्ली, तमिलनाडु में रीजनल डेवलपमेंट किए और कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की शुरुआत करी. आज इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 27.90 बिलियन डॉलर्स का है. इस कंपनी के शेयर्स नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है. आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने सिर्फ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का ही नाम सुना है, तो ये कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज कहाँ से आया? सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे देश में 24 स्टॉक एक्सचेंज हैं, जिसमें 3 स्टॉक एक्सचेंज ये हैं. इस कंपनी ने GDR यानी ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशू करने के लिए इन्होंने लुक्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज में अपनी लिस्टिंग करवा रखी है. 2019 में इस कंपनी के चेयरमैन, जिनका नाम देवेश्वर था, इन्हें सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया.
सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार हर लिस्टेड कंपनी में वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना मस्ट है। इसीलिए आईटीसी ने भी अपनी वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट किया था। इनकी फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर का नाम मीरा शंकर था। माय डियर फ्रेंड्स, एक किराए के मकान से शुरू हुई ये आईटीसी कंपनी आज हर साल $10.74 बिलियन का सेल कर रही है। इट मींस नो मैटर इफ द बिगिनिंग इज स्मॉल। सो दिस वाज द केस स्टडी ऑफ इंडियन टबैको कंपनी। सो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन राइट नेक्स्ट टू योर स्क्रीन। थैंक यू सो मच।